हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट विश्व कप 1979 की। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा वर्ष 1975 के बाद प्रत्येक चार वर्ष के बाद किया जाता है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देश और क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली अन्य देशों की टीमों के बीच लीग चरण और फिर नॉकआउट चरण की प्रक्रिया के तहत क्रिकेट विश्व कप खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया 4 बार, भारत और वेस्टइंडीज 2 बार, पाकिस्तान तथा श्रीलंका 1-1 बार क्रिकेट विश्व कप विजेता बने हैं। क्रिकेट विश्व कप 1979 में भी इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। दूसरे क्रिकेट विश्व कप में पहली बार गैर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीमों को विश्व कप में भाग लेने के लिए क्वालिफाइंग मैच खेलना पड़ा था। दूसरे क्रिकेट विश्व कप का नाम इसके प्रायोजक प्रूडेंशियल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम पर प्रूडेंशियल कप रखा गया। इस समय 60 ओवर की एक पारी होती थी। खिलाड़ियों का सफेद रंग की पारंपरिक पोशाक पहनकर मैच खेलना अनिवार्य था। साथ ही मैच में लाल रंग की क्रिकेट गेंद का प्रयोग किया जाता था। क्रिकेट विश्व कप 1979 में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 6 देश इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और कनाडा ने क्वालिफाई किया था। 4-4 के 2 ग्रुप में टीमों को बांटा गया था। इस वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। विश्व कप 1979 का फाइनल भी लॉर्ड्स में खेला गया था। कप्तान क्लाइव लॉयड की अगुवाई में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 92 रन से हराकर लगातार दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने फाइनल में शानदार 138 रन नाबाद बनाया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।